जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी डॉर्मेटरीज बताने वाला हूं जो कि अगर आप कटरा आ रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली रहने वाली है, और यहां पे आपको कंबल लॉकर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे डॉर्मेटरी के प्राइस में ही। काफी ज्यादा जो है बजट फ्रेंडली डॉर्मेटरीज रहने वाली है, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा कि आप बुकिंग किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ किस तरीके से आप आ सकते हैं और किस किस टाइप के आपको जो है डॉर्मेटरीज मिल जाती है। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ डॉर्मेटरी में आपको आने के बाद क्या क्या आपको जो है फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, लॉकर किस तरीके के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। है बस स्टॉप नंबर 2 और टैक्सी स्टैंड नंबर 2, इसके जस्ट सामने आपको मिल जाएगा त्रिकुटा भवन। चलिए अब आपको लेकर के चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ त्रिकुटा भवन का ओवरऑल व्यू। दोस्तों एंट्री करते ही सामने की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा महालक्ष्मी मंदिर, और लेफ्ट हैंड साइड पे है इनका रिसेप्शन काउंटर। ये राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा कंप्लीट लॉकर एरिया, और इधर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो यहाँ पे आपको इनका कैफेट एरिया देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों इसमें इस तरीके की जो है लॉबी बनी हुई है हर फ्लोर पे। टोटल इसमें 5 फ्लोर है, ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर, टोटल 5 फ्लोर बने हुए हैं, और हर एक फ्लोर पर 12 से 15 डॉर्मेटरी जो है हर फ्लोर पर बनाई हुई है। और चलिए अभी मैं आपको एक बार इनका रूम का ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये है डॉर्मेटरी 413, 413 नंबर का डॉर्मेटरी है। इसका एक बार मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ किस तरीके का इसमें आपको डॉर्मेटरी मिलता है। ये आप देख सकते हैं डॉर्मेटरी, इस तरीके का डॉर्मेटरी आपको मिल जाता है जहाँ पे टोटल 10 बेड होते हैं यहाँ पे। और सामने की तरफ इसमें आपको बालकनी मिल जाती है, जो बालकनी में आप कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं या अगर आप बाहर थोड़ी बहुत देर खड़े होना चाहें तो वो हो सकते हैं। साथ में एक सबसे अच्छी चीज आपको जो यहाँ देखने के लिए मिलेगी वो ये कि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल लॉकर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे आते हैं डॉर्मेटरी बुक करते हैं तो आप इंडिविजुअल एक लॉकर ले सकते हैं, उस लॉकर में आप अपना सामान रखिए, लॉक लगा करके आप जा सकते हैं बाहर। अगर आसपास कहीं घूमने जा रहे हैं आप तो अपना जो सामान है इसमें रखिए, और इतना बड़ा आपको लॉकर मिल जाता है, इसमें आराम से आप लॉक लगा सकते हैं, लॉक लगा करके आप जो है बाहर जा सकते हैं आराम से। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्राउड की, अगर आप नवरात्रि के टाइम आते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा क्राउड देखने के लिए मिल जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आज संडे है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पे ब्लैंकेट्स लेते हैं सर्दी के टाइम, अगर आप ब्लैंकेट्स लेना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, बस उसका सिक्योरिटी चार्जेस रहता है 500 जो कि रिफंडेबल होता है। अब बात कर लेता हूँ मैं पानी की। पानी की फैसिलिटी के लिए हर जगह वाटर डिस्पेंसर लगाए हुए हैं ताकि पानी ठंडा मिल सके आपको। और कुछ इस तरीके का इसका ओवरऑल व्यू है, कंप्लीट डॉर्मेटरी का ओवरऑल व्यू आप देख सकते हैं कंप्लीट बिल्डिंग का। और ऊपर की तरफ जो है रूफ एरिया है, वहाँ जाना अलाउड नहीं रहता है। और नीचे सेंटर में मंदिर बना हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अभी मैं बात कर लेता हूँ त्रिकुटा भवन में बुकिंग किस प्रकार से करा सकते हैं। त्रिकुटा भवन में बुकिंग के लिए आप या तो ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप बुकिंग करा सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आप जो है लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करवाते हैं तो आप जब भवन आएंगे, त्रिकुटा भवन जब आप आएंगे तो आपको इस तरीके का जो है एक स्लिप दिया जाएगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस स्लिप को आपको फिल करके देना होता है तो उस तरीके से आपको जो ऑफलाइन बुकिंग मिल जाती है। बट मेक श्योर कि जब आप यहाँ आ रहे हैं तो अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति का आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। आधार कार्ड से जो है आपका जो है वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके थ्रू आपको जो है डॉर्मेटरी प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में अगर मैं बात करूं ऑनलाइन बुकिंग की तो ऑनलाइन बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं खड़ा हुआ हूं कटरा बस स्टैंड पे, और निहारिका कॉम्प्लेक्स का ये मेन एंट्री गेट है। यहाँ से एंट्री करते राइट हैंड साइड पे आपको देखने के लिए मिल जाता है शक्ति भवन। दोस्तों शक्ति भवन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो है वैष्णवी वाटिका मिल जाएगी, जहाँ से जो प्लांट्स हैं वो आप परचेस कर सकते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको लेकर के चलता हूँ शक्ति भवन के अंदर, और यहाँ का जो रिसेप्शन काउंटर है वो दिखाता हूँ, और साथ में आपको यहाँ की डॉर्मेटरीज जो हैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट हैंड साइड आपको मिल जाता है रिसेप्शन एरिया, और अंदर जाते हैं तो आपको डॉर्मेटरीज जो हैं वो देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ में राइट हैंड साइड पर जो है आपको लॉकर एरिया देखने के लिए मिल जाता है, और कॉरिडोर का जो रास्ता है वो भी यहीं से जाता है। ये सामने जो है कम्प्लीट लॉकर एरिया है, लॉक रूम है, ये रिसेप्शन एरिया हो गया, और ये मेन एंट्रेंस गेट है। दोस्तों ये कॉरिडोर बनाया हुआ है ऊपर जाने के लिए। इस शक्ति भवन में आपको लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती है, और यहाँ से जो है एक लॉबी बनाया हुआ है, लॉबी से आप जाएंगे डॉर्मेटरीज की तरफ। सामने जो है श्राइन बोर्ड भी आप देख सकते हैं,
जैसे इस तरीके के आपको डोरमेट्रीज मिल जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे डबल वाले और सिंगल वाले दोनों ही रहते हैं। ये डबल डोरमेट्री वाला रूम है जहाँ पे आपको अप एंड डाउन दोनों डोरमेट्रीज मिल जाती है। टोटल 10 बेड हैं इसमें, 5 टोटल हैं और अप एंड डाउन है, इस तरीके से टोटल 10 बेड्स इसमें आपको मिल जाते हैं। 204 रूम नंबर। और इस तरीके के आपको जो है लॉकर एरिया मिल जाता है। लॉकर इसमें त्रिकुटा भवन की तरह है, रूम के अंदर नहीं मिलता है, रूम के बाहर इसमें आपको जो है लॉकर देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ सिंगल बेड्स वाले रूम की, तो इस तरीके के जो है आपको सिंगल बेड्स वाले रूम मिलते हैं जिसमें आपको 12 से 13 जो है बेड्स मिल जाते हैं इसमें। तो दोस्तों अभी मैं बात कर लेता हूँ शक्ति भवन बुकिंग के बारे में कि बुकिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मल डेज में आ रहे हैं जैसे कि नवरात्रे नहीं होने चाहिए, कोई सैटरडे संडे या कोई हॉलीडे नहीं होना चाहिए उस टाइम पे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके का आपको जो है एक स्लिप फिल करवाया जाता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो वो स्लिप फिल करके आपको जो ऑफलाइन बुकिंग मिल जाती है। बट मेक श्योर कि अगर आप पीक टाइम में आ रहे हैं जैसे कि नवरात्रे के टाइम आ रहे हैं या आप विंटर वैकेशन में आ रहे हैं, समर वैकेशन में आ रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो है थोड़ा डिफिकल्टीज हो सकती है डॉर्मेट्री अवेलेबिलिटी में, क्योंकि उस टाइम पे डॉर्मेट्रीज जो है अवेलेबल नहीं होती है, इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर मैं इन और आउट की बात करूँ टाइम की, तो चेक इन टाइम रहता है यहाँ पे 10 AM, और अगर चेकआउट टाइम की बात करूँ तो 10 AM रहता है नेक्स्ट डे का। तो 24 आवर्स के लिए आपको जो है ये डॉर्मेट्री मिलती है। सो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो प्री बुकिंग करके आए, मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आप पीक डेज में आ रहे हैं तो 7 to 10 days या फिर 1 month पहले आप अपनी बुकिंग जो है कर सकते हैं। और अवेलेबिलिटी जो है वो आप चेक कर सकते हैं श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, स्क्रीन पे आपको जो है लिंक दिख रहा होगा, इस पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि डॉर्मेट्रीज कौन सी वाली अवेलेबल है या कौन सी नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉर्मेट्री के बारे में, जो कि है आशीर्वाद भवन, और ये स्थित है निहारिका कॉम्प्लेक्स के जस्ट पीछे की साइड में। अब बात करते हैं कि इसके प्राइस कितना है। इसका प्राइस रहता है ₹150 AC डॉर्मेट्री और ₹200 AC डॉर्मेट्री। और अगर इसकी बुकिंग की बात की जाए तो बुकिंग की प्रोसीजर भी सेम रहती है। आप या तो श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप जो है ऑफलाइन स्लिप जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके थ्रू आप जो है ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बट मेक श्योर, मैं अगेन वही आपको बोलूंगा कि अगर आप पीक डेज में आ रहे हैं तो आप बुकिंग ऑनलाइन करके आइए, तो ही आप बुकिंग कर पाएंगे। और ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आशीर्वाद भवन आपको ऑनलाइन देखने के लिए नहीं मिलता, तो आशीर्वाद भवन आप ऑफलाइन की लिस्ट में रखिए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ऑफलाइन में आप एक बार आशीर्वाद भवन में आप चेक कर सकते हैं ऑफलाइन बुकिंग अवेलेबल है या नहीं। पीक डेज में हो सकता है आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ और आशीर्वाद भवन दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है आशीर्वाद भवन, जो कि निहारिका कॉम्प्लेक्स के जस्ट पीछे की साइड में बना हुआ है। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे जो है पंचमेवा प्रसाद का जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और साथ में यहीं पे आपको जो है कंबल स्टोर भी देखने के लिए मिल जाएगा, और लॉकर रूम भी यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और बात की जाए तो मेन एंट्री गेट से एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे आपको देखने के लिए मिल जाता है रिसेप्शन काउंटर, और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लॉकर्स भी जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। दोस्तों ये है सेकंड फ्लोर आशीर्वाद भवन का। यहाँ पे टोटल 3 फ्लोर हैं और एक ग्राउंड फ्लोर है। और अगर मैं बात करूँ रूम्स की, तो यहाँ पे जो है शेयरिंग डॉर्मेट्रीज आपको मिल जाती हैं। अभी जो है इसको रीस्टार्ट किया है तो बहुत सारे रूम्स जो हैं अभी इसमें बंद है, और इसमें ज़्यादातर आपको जो है ऑफलाइन बुकिंग ही मिलेगा। लिफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है, साथ में स्टेयर्स मिल जाती हैं आपको, स्टेयर्स दोनों साइड हैं, यहाँ पे भी स्टेयर्स है एंड राइट हैंड साइड पे भी आपको स्टेयर्स मिल जाती है। लिफ्ट की फैसिलिटी आपको एक ही मिलती है, और इस तरीके से इसमें जो है टोटल 3 फ्लोर्स हैं। ये ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ पे जो है इन्होंने अपना कुछ स्टोर रूम टाइप बनाया हुआ है। चलिए दोस्तों एक बार मैं अभी इनका जो डॉर्मेट्री रूम है वो आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का आपको जो है यहाँ पे डॉर्मेट्रीज मिल जाता है, जो कि डबल बेड रहता है, अपर एंड लोअर दोनों बर्थ रहता है इसमें। इस तरीके का इसमें जो है आपको फैसिलिटी मिल जाता है स्टे के लिए। तो दोस्तों ये हैं वो 3 डॉर्मेट्री जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप इनके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा, वो है इन तीनों का रेटिंग। यहाँ पे अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँ तो मैंने सबसे 1 पे रखा है, नंबर 1 पे मैंने रखा है त्रिकुटा भवन। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे जो हाइजीन है, जो क्लीनिंग है, उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। और साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो बेड्स हैं वो भी सिंगल सिंगल लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको डबल बेड्स नहीं मिलेंगे। साथ में इसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की फैसिलिटीज मिल जाती है, और यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी वाइब रहती है अगर आप यहाँ पे जाते हैं त्रिकुटा भवन। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है शक्ति भवन को। शक्ति भवन को सेकंड नंबर पे रखने के पीछे रीजन ये है
कि शक्ति भवन जो है कटरा बस स्टैंड से सबसे ज्यादा पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे मात्र 100 मीटर की डिस्टेंस पे आपको जो है शक्ति भवन देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ थर्ड नंबर पे आने वाले डॉर्मेट्री के बारे में, जो है आशीर्वाद भवन। और इसको मैंने थर्ड नंबर पे इसलिए भी रखा है, इसका रीजन ये है, पहली चीज ये कटरा बस स्टैंड से थोड़ा डिस्टेंस पे जाके निहारिका भवन के बैक साइड में जाकर के, दूसरी चीज ये ऑनलाइन आपको बहुत कम सिचुएशंस में देखने के लिए मिलेगा, तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे आपको ओनली दो ही रूम्स और दो ही फ्लोर्स जो हैं अवेलेबल हैं अभी बुकिंग के लिए, बाकी जो है अभी बंद किए हुए हैं किसी कंस्ट्रक्शन रीजन के चलते और श्राइन बोर्ड ने किसी वजह से जो है वो बंद किए हुए हैं अभी। तो ये है तीन डॉर्मेटरीज जो कि सबसे ज्यादा मेन है अगर आप कटरा आते हैं तो। स्टिल अगर आप कोई चीज जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट वीडियो डॉर्मेट्री से रिलेटेड। अगर आप कटरा आ रहे हैं और आप डॉर्मेट्री बुक करना चाहते हैं तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है मिसिंग रह गई वीडियो में और आपको जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप डॉर्मेट्री बुक कर रहे हैं पीक टाइम पे आ रहे हैं या वीकेंड्स के टाइम पे आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो है प्री बुकिंग करके आइएगा। आई होप आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।